मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच मतलब दूरी है बच्चों वो 132 किलोमीटर की है। ठीक है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसीलिए जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी वो हो जाएगी बच्चों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी 11 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा बच्चों जो समय लिया जाएगा वो होगा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी एक्स 132 बटे एक्स प्लस 12। ठीक है, जो सवारी गाड़ी है उसके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो बच्चों क्या होगा, दूरी बटे चाल यानी 132 बटे एक्स, और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो समय कितना लेगी, वह समय लेगी 132 अपॉन एक्स प्लस 11। ठीक है, लेकिन इस रेलगाड़ी की चाल अधिक है, ठीक है, इसलिए इसके द्वारा लिया गया समय कम होगा, ये कम होगा और ये अधिक होगा। होगा बच्चों, क्योंकि जिसकी चाल कम होती है वह दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कहने का अर्थ क्या है बच्चों कि जब हम अधिक समय में से जब कम समय घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, 132 हमारा कॉमन हो गया, 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 11 बराबर 1, 132 एक्स प्लस 11 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1। एक्स से एक्स कट गया, 11 से गुणा कर लें, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 और 2 हो गए 35, 3 बचे 11 1 11, 11 और 3 14, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1, फिर से गुणा कर लें, 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। अब हम 1452 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन्हें घटाने पर 11 प्राप्त हो, वो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 44 माइनस 33 बराबर 0, 44 एक्स माइनस 33 एक्स 1452 बराबर 0। इसमें एक्स हमारा कॉमन हो गया, इसमें -33 कॉमन है बराबर 0, एक्स प्लस 44 कॉमन है। ठीक है, एक्स प्लस 44 बराबर 0, एक्स बराबर -44, एक्स -33 बराबर 0 और एक्स बराबर 33। ठीक है बच्चों, एक्स का मान प्लस में लिया जाएगा क्योंकि चाल माइनस में नहीं होगी, इसीलिए जो सवारी गाड़ी की चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तथा जो एक्सप्रेस गाड़ी होगी वो
होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 11 किलोमीटर उसकी चाल अधिक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।